हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम डेली एक दैनिक जागरण का एडिटोरियल संपादकीय लेकर हम यहां पर आते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श और गहन अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की लेखन शैली को अपने अंदर स्फूर्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको डेली रूटीन रीडिंग करना पड़ेगा संपादकीय का। तो दोस्तों ऐसा एक और लेखन आया आज यहाँ पे, ऐसे लिखा है संजय गुप्त की, ये विचार हैं आर्थिक सेहत बिगाड़ने वाली योजना। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे किस तरह से ये जुमलेबाजी हमारे लोकसभा चुनाव में किए जा रहे हैं और जो पिछली सरकारों ने किया है उसकी खामियां जो हमारे देश की जनता ने किस स्तर पर जाकर भोग रही है और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार से बिगड़ रही है, इस तरह के प्रलोभन दे रही है हमारे देश के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं। यहाँ तक कि आज हम खासकर और विशेष रूप से बात करने वाले हैं न्यूनतम गारंटी आय योजना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रलोभन देकर लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, सीधा सीधा कहा गया कि किसी प्रकार का वित्तीय से संबंधित आप प्रलोभन न देंगे, पर जिस तरह से 72,000 कहकर 25 करोड़ सिटीजन को देने की इन्होंने बात कही है, पूरी तरह से ये जुमलेबाजी है। दोस्तों अगर ये करते भी हैं तो कम से कम हमारे देश के ऊपर इतना ज़्यादा इसका आर्थिक प्रेशर पड़ेगा कि हमारे जीडीपी का स्तर तकरीबन 2 से 3 पॉइंट गिर जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। और अगर इस तरह की आप चुनावी वादों के समय इस तरह की चीज़ों को देने का अगर पेशकश करते हैं, तो दोस्तों सीधी सीधी बात यह है कि ये जुमलाबाजी ही है। इससे पहले भी 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, आप वहाँ पे जाके इनका हश्र देख सकते हैं। कहा गया था कि राजस्थान में जो भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें 3500 रुपया दिया जाएगा, जाके किसी भी एक सामान्य अनएम्प्लॉयड से पूछ लीजिए जो वहाँ का युवा है, उसे 1 रुपया मिला क्या। ये बात कर रहे थे 14 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार आती है तो हम उस राज्य में जो किसानों की जो समस्याएँ हैं, जो ऋण माफ़ी है, हम उसे 14 दिन से 15 दिन के अंदर माफ़ कर देंगे। दोस्तों अभी तक अगर माफ़ हुआ तो दोस्तों 2000 करोड़ रुपए का, जो कोई मतलब नहीं है। इससे पहले आपके यूपी में हुआ था 36,000 करोड़ का, और जैसा कि आपको पता है एक अच्छी खासी जो है कृषि होती है वहाँ पे, एमपी की चाहे बात हो चाहे राजस्थान की बात हो। तो दोस्तों ये इतना बड़ा जुमलेबाजी किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए सही नहीं होता। तो आज हम चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि लिखा है, आम चुनाव के लिए मतदान की तिथियां जैसे जैसे करीब आ रही हैं, जनता को रिझाने के लिए लोक लुभावन घोषणाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं कि राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर वे आर्थिक नियमों की अनदेखी करके लोक लुभावन वादे करेंगे तो फिर जनता में भ्रम ही फैलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर चुनाव के समय अगर इस तरह की आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित करने के बजाय आप उन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं, किस प्रकार से लालच के बल पे आप उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, हमारे देश का जो चुनावी माहौल है वो बिगड़ेगा। अपने देश में बहुत कम मतदाता चुनावी वादों की गहन परख कर पाते हैं, इसी कारण तमाम मतदाता लोक लुभावन घोषणाओं से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीबों की निश्चित न्यूनतम आय देने की अपनी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे। उनके हिसाब से ऐसे अति गरीब परिवारों की संख्या 5 करोड़ है और प्रत्येक परिवार के 5 सदस्य जोड़ दिए जाएं तो इस योजना से लाभान्वित होने वाले की संख्या 25 करोड़ होगी। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए इनका जो जुमलेबाजी है और जिस तरह से ये समीकरण बैठा लेते हैं, उसके लिए काफ़ी इनके पास जानकारी कम है कि ज़्यादा है, आप ही अनुमान लगाइएगा। योजना की घोषणा करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप हैरान रह गए होंगे, पत्रकारों का तो पता नहीं लेकिन तमाम अर्थशास्त्री और देश की वित्तीय सेहत की जानकारी रखने वाले इस पर जरूर हैरान रह गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पत्रकारिता कर रहा हो ज़्यादातर चीज़ों को पत्रकारिता के ही नज़रों से देखता, पर दोस्तों जब इन्होंने पत्रकारों से कहा कि जो मैं योजना लेके आ रहा हूँ आप लोग हैरान हो गए होंगे, दोस्तों कहने का मतलब है वो तो नहीं हैरान है, पर जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं दोस्तों, जब उन्होंने इस चीज़ में एनालिसिस किया, ऐसा नहीं कि इसका एनालिसिस नहीं हुआ है, बता दें दोस्तों 2017 और 18 में ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम के स्कीम जो है इसी के तहत जोड़ा गया था। एक तरह से कह सकते हैं जो न्यूनतम आय गारंटी योजना बता रही हूँ यूनिवर्सल बेसिक स्कीम ही है। जब उसमें पूरी तरह से अध्ययन किया गया तो बाद में पाया गया कि दोस्तों इसे तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब पूरी तरह से नेशनल
स्टेट लेवल और भी जो अन्य संस्थाओं के द्वारा जो सब्सिडीज दी जाती हैं उन्हें आप ख़त्म करिए, जितने भी इकोनॉमिक सब्सिडीज़ हैं। इसके बाद दोस्तों इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। मतलब 25 करोड़ परिवारों, 25 करोड़ जनता को देने के लिए अगर आप सारी तरह की स्कीमें ख़त्म कर देंगे तो इससे क्या होगा, एक तरह का तुष्टिकरण हो जाएगा और समाज में, देश में असमंजस फैल जाएगा जो किसी भी वर्ग, किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों उन्हें सरकारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आखिर 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपये देने के लिए हर साल 3,60,000 करोड़ रुपए का प्रबंध कहाँ से होगा? क्या कभी सभी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी जाए या आर्थिक रूप से सभी समर्थ लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया जाए? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। यहाँ भी स्पष्ट नहीं कि गणना कैसे की जाएगी कि किसी परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये से कम है। ये तो बहुत ही, आज हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर जितने लोग आय का प्रमाण पत्र बनाए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ मित्रों कि किसी का अगर सालाना इनकम देखा जाए तो 50,000 से नहीं होगा और किसी का महीने का जो इनकम होगा 5,000 से ऊपर नहीं होगा। हम आपको बता दें हमारा खुद इनकम बना हुआ है, अब हम लोग आप लोगों से क्या कहें। तो ये जो है ये सब बेवकूफ़ी है, ये कुछ जिलों को नहीं दे पाएंगे, कुछ जिलों में ही गवर्नमेंट लूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और क्या कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी की तो माने इसका आकलन कर लिया गया है कि न्यूनतम आय योजना को कैसे संचालित करना है, लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। अब इस जब इस योजना को लेकर सवाल उठे तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से अन्य तरह की सब्सिडी में कटौती नहीं होगी। पूर्व मंत्री चिदम्बरम के अनुसार देश के पास इतनी क्षमता है कि इस योजना पर अमल किया जा सके और जानकारों का एक समूह इस योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है। क्या इसका मतलब है कि यह बगैर रूपरेखा तैयार किए योजना की घोषणा कर दी गई है? सच्चाई जो भी हो, अन्य सब्सिडी में कटौती के भी बगैर इस योजना को लागू करने का मतलब है नोट छापकर जनता को बांटना। इस स्थिति मुद्रास्फीति बढ़ेगी, राजकोषीय घाटे में 2% की वृद्धि हो सकती है। स्पष्ट है कि महंगाई बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति घटेगी, इस तरह अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और गरीबों को दी जाने वाली राहत का असर भी कम होगा। अगर इस योजना का जबरन लागू किया जाता है तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के साथ साथ यह भी हो सकता है कि गरीब तबका केवल इस योजना के भरोसे रह कर बैठ जाए और मेहनत करने से तौबा कर ले। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। इसी तरह का प्रलोभन दिया गया था वेनेजुएला के चुनाव में, और जब वहाँ की सरकार बन के आई तो उसने अमल करना शुरू किया उन प्रलोभन को जो उसने चुनावी वादों के समय, चुनावी समय के समय दिया था। उसके बाद दोस्तों वेनेजुएला का जो आर्थिक संकट आया, मतलब अगर आप दो बोरिया, बोरा समझते हैं गट्टा, दो बोरा अगर आप पैसा लेके जाएं नोटों से भरी, सिक्कों से भरी, तो दोस्तों आपको शायद ही आज से 5 महीने पहले स्थिति ये थी कि 2 रोटी आपको मिल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार की जो है समस्याएं वहाँ पे पैदा हो गई थी। तो इस तरह का कोई जुमला देता है तो उसे दरकिनार करिए, उसकी बातों पे अमल मत करिए। ऐसे लोग झूठ फरेब के वादों के साथ चुनाव जीतते हैं, उसके बाद आम जनता के ऊपर दोस्तों तरह तरह की नीतियाँ, तरह तरह के टैक्स थोपते हैं और अपनी बल्ले बल्ले करते हैं। एक यह तथ्य है कि मनरेगा लागू होने के बाद कुछ समय तक ऐसा ही देखने को मिला था। देश के कई हिस्सों में खेतिहर मजदूरों, श्रमिकों की कमी महसूस की गई थी। राहुल गांधी और उनके सहयोगी कुछ भी दावा करें, लगता यही कि इस योजना पर विचार करते समय अर्थव्यवस्था की सेहत का ध्यान नहीं रखा गया। इसके बावजूद इससे इनकार नहीं किया कि कुछ लोग और खासकर गरीब तबका इस योजना से आकर्षित हो सकता है। निसंदेह गरीबी दूर होनी चाहिए, लेकिन जरूरत गरीब तबके को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस उपाय करनी है, न कि सब्सिडी के बैसाखी पकड़ने की। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद लंबे समय तक यही किया गया। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक गरीबी दूर करने का वादा करती रही, लेकिन वह दूर नहीं हो पाई। इसका कारण वे आर्थिक नीतियां रहीं जिनसे देश का आर्थिक विकास बाधित हुआ। सुस्त आर्थिक रफ्तार के कारण ही देश की विकास दर का उपहास उड़ाते हुए उसे हिंदू विकास दर कहा जाता था। कम से कम कांग्रेस के मौजूदा नेताओं को तो यह पता होना चाहिए कि गरीबी इंदिरा गांधी कि गरीबी हटाओ नारे से नहीं बल्कि नरसिंह राव सरकार की नई आर्थिक नीति से दूर होनी शुरू हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने मनरेगा का जिद करते हुए कहा कि उसी तर्ज पर उनकी नई योजना गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। अच्छा होता कि वह यह बताते कि मनरेगा के तहत जो काम कराए गए उसे कहीं पर भी बुनियादी ढांचे का निर्माण क्यों नहीं हो सका। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपर्क शासन के दौरान मनरेगा के तहत जो राशि गरीबी दूर करने के नाम पर वितरित की गई उससे गरीबी दूर करने में कोई
खास सफलता नहीं मिली। मनरेगा लागू होने के बाद यह भी देखने को मिला कि गरीब तबके के एक वर्ग ने कर्मठता का परित्याग कर दिया। कोई भी देश आर्थिक प्रगति तभी करता है जब उसके नागरिक अपने बलबूते पर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही है कि कांग्रेस गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं की पैरवी मुश्किल से करती है। यह एक सच्चाई कि एक बार माफ़ी जैसी योजनाएं लेकर सामने कर्ज माफ़ी जैसी योजनाएं लेकर सामने लेकर आएगी और 72,000। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद वही है, कहने का मतलब ये है, देख लेते हैं। 72,000 रुपये देने की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा गया कि इससे समाज में एक नई तरह की असमानता आ सकती है। ध्यान रहे कि इसके अच्छे खासे आसार हैं कि सभी गरीब योजनाओं के दायरे में ना आ सकें। इसके अलावा इसकी पहचान भी कठिन ही होगी कि कौन गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 12,000 रुपये से कम है। यह कठिनाई इसलिए और बढ़ेगी क्योंकि तमाम गरीब ऐसे हैं जिनकी आय कम ज़्यादा होती रहती है। अच्छा होगा कि कांग्रेस इससे अवगत हो कि अगर 3,60,000 रुपये से स्कूल अस्पताल बने और कानून एवं व्यवस्था का तंत्र मजबूत किया जाए तो गरीबों को कहीं अधिक लाभ मिलेगा। राजनीतिक दल जिस तरह आर्थिक स्थिति की अनदेखी करके लोक लुभावन वादे करने के लग रहा है, उसे देखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे बेलगाम घोषणाएं करने से रोका जा सके। बेहतर होगी चुनाव आयोग को यह अधिकार मिले कि वह राजनीतिक दलों के चुनावी वादों की परख करे और उनके नफा नुकसान से जनता को अवगत कराएं। आज भले ही कांग्रेस न्यूनतम आय से योजना को बाजी पलटने वाली मान रही हो, लेकिन सच यह है कि इस तरह की योजनाओं से देश की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो भी यहाँ पे संपादकीय है, सीधे सीधे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इस बार का जो आने वाला चुनाव है उसमें आप अपना प्रतिद्वंद्वी इस प्रकार से चुने कि जो देश समाज आपके लोगों के लिए, परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर साबित हो। नहीं तो फिर 5 साल में दोस्तों हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। आप ये सोचिए, जो पार्टी बार बार प्रलोभन दे रही हो, यहाँ की जनता को मूर्ख बना रही हो, उसे वोट देना कहाँ तक उचित है। हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप एक DGR तैयार करिए, उसमें आप सीधे सीधे ये कहिए ना कि गरीबों के लिए अलग से स्कूल बनवाया जाएगा, अलग से हॉस्पिटल बनाया जाएगा, अलग से उनके लिए एक संगोष्ठी बनाई जाएगी। इस तरह की चीज़ों को आप क्यों नहीं करते हैं? एक जो किसान है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको उसकी आय का सही उपज दिया जाएगा कि वो दर्द की ठोकरें ना खाए, कोई बिचौलिया उसे शोषित न करे। तो दोस्तों, इस तरह का काम अगर जो करे और जो चुनावी वादों में अपने सम्मिलित करे, उसे आप चुने, बेहतर आज के लिए और बेहतर कल के लिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।